इनके पास सिर्फ झूठे पर्चे हैं, एक पर्चे से निकलता दूसरे में डाल देते हैं, सिर्फ ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रहे तो, और उसके बाद जेल में नेताओं को, जेल में सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, मनीष जी को, अरविंद जी को जेल में करके, उसके बाद इन्होंने कोशिश की, बीजेपी ने, जो इनकी आदत है कि पार्टी को तोड़ दें कहीं ना किसी तरीके से, लालच दे लें किसी को, या किसी को वैसे ही डरा लें कि अब कुछ नहीं होगा जी, पार्टी बिखर गई, ये वो। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, उस संकट के समय में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं टूटी और कोई दरार नहीं है पार्टी में, कोई किसी किस्म का ग्रुपिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने अफवाहें बहुत फैलाई, परसेप्शन बनाने की कोशिश की, झूठा प्रचार किया कि शायद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का नाम ले देंगे, शायद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का नाम ले देंगे, ऐसे मतलब झूठा प्रचार करते रहे। लेकिन हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नॉन पीढ़ी के बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हमारे वो टांगे खींचने वाला कल्चर या एक दूसरे को नीचे दिखाने वाला कल्चर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो पार्टी और मजबूत होगी, मनीष सोदे जी के आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी, और खुद भी वो बहुत मेंटली तौर पे स्ट्रांग होके निकले हैं, और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी मेंटली तौर पे और स्ट्रांग होके निकलेंगे, और ये पार्टी जो है आने वाले फ्यूचर में देश का जो भविष्य है, देश का जो फ्यूचर है, वो आम आदमी पार्टी है।